मत लो रिस्क, रिस्क मत लो भाई, इधर आना होगा तो बुरे बंदे ही आओ। जंगल देख लो आप कितना घना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा कि बाइट वो थोड़ी सी गंदी हो गई, तो आज मैं वॉश करने लाया हूँ। बाकी मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं यहाँ पे आज, और आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, तो उसी के बारे में आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में। बाकी दादी जी हमें देख रही हैं, बाकी दादी नमस्ते कर दो। हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो कैसे हो? ठीक हो? मेरे साथ आज हमारी एक छोटी सी गैंग आई हुई है, तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। करण चंदेल, कृष्ण धीमान, गैंग आई हुई साथ में, तो एक बंदा और भी आने वाला, अगर आया तो आया, ठीक है नहीं तो एक आपको एक जगह भी मिलवाते हैं। बिलासपुर, बाकी करण भाई मेरे को यहाँ पे लेके आए, देखते हैं अगर ऊपर जाया थोड़े से तो जाया जाते हैं, तो डर भी लग रहा है थोड़ा सा। चलें करण ऊपर, चलें, चलो चलो आज थोड़े से, बाकी जो आ सकता है वो आना, बाकी नीचे रहो, फिसलना मत कोई। और ऊपर तक अगर आप देखना चाहें तो ऊपर वो देखिए, ऊपर भी हमारे को काफी ऊपर तक दिखाई दे रही है, और एक शिवलिंग हमारे को ऊपर भी दिखाई दे रही है। बाकी हमारे दो बंदे अभी नीचे खड़े हुए हैं, क्योंकि भाई उनको डर लग रहा है थोड़ा सा आने में। एक खगेंद्र है और एक साहिल है, भाई सामने आना। तो एक खगेंद्र है, एक साहिल है, थोड़े से हेल्थी है, तो उनसे ऊपर नहीं आया जा रहा है। कि आप भी यहाँ पे जरूर आए, एक बहुत ही अच्छी जगह है। बाकी हमारे गुल्लू जी यहाँ पे डर रहे हैं थोड़ा सा, ये तो कुछ बात नहीं। और देखो अगर ढंग से इमेजिनेशन हो ना बंदे की, तो उसी के इस साइड में एक थोड़ा बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, जिस पर लाइट बज रही है, दिखाई दे रही है कि शेर वगैरह का मुंह है। क्यों है ना गुल्लू भाई? और ये देखो, ये चीज जटाइन लग रही शिवजी जी की, ये देखो, ये देखो एक शिवलिंग ये दिखाई दे रही है आपको, ये पहले नंबर पे। और एक वो देखिए, वो बिल्कुल ऊपर टॉप पे मेरी अंगूठी के सामने दिखाई दे रही होनी, वो देखिए, वो देखिए, हमारे जो बिलासपुर की मेन धार है, जहाँ पे लोग अक्सर घूमने के लिए आते रहते हैं, वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर आप समझ सकते हैं। नीचे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जैसे कि नीचे चरण पादुकाएं वगैरह रखी हैं, बाबा बालकनाथ जी की तस्वीर भी रखी हुई है। नीचे आपको वहाँ पे शिवलिंग दिख जाएगी, और इस साइड भी अगर शिवम भाई कैमरा लेके जाने की कृपा करें तो वहाँ देखेंगे आप, एक शिवलिंग यहाँ दिखाई दे रही है। वीडियो में आपको आगे हम सब कुछ दिखाएंगे, और एक शिवलिंग हमारे को बहुत ऊपर दिखाई दे रही है, वहाँ तक हमारा पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है। बिलासपुर एक अच्छा टूरिज्म बन सकता है बिलासपुर के लिए ये जगह। और हम एक और गुफा में थोड़ी देर में जाने वाले हैं, वहाँ का भी आपको व्लॉग दिखाएंगे अच्छे से। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है बिलासपुर की, वो आपको देखने को मिले।
यहाँ पर हमें ऑयल पेंटिंग टाइप भी कुछ दिखाई दे रहा है। और तो रे अपना गुल्लू डॉन, गुल्लू जी क्या हुआ? गुल्लू जी यहाँ पे डर गए थोड़ा सा, तो एक अपना कृष्ण भाई नीचे चले गए और एक गुल्लू डॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। बाकी हम एक्सप्लोरिंग बंदे तो हम थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे, आधा घंटा लग जाएगा हमें थोड़ा सा यहाँ पे घूमने के। तो भाई पहले आ चुका है यहाँ पे, तो मेरे को भी आज इसने इनवाइट किया कि आप भी चलो साथ में। यार आपको एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, आजकल आप सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस थोड़ा ज्यादा फैल रहा है, तो भाइयों कृपया करके ऐसी कोशिश करें कि वो हिमाचल में कम से कम पनप सके। नलवाड़ी मेले हैं जो वो कैंसिल हो गए हैं, मे भी 25 अप्रैल के बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएं। बाकी पता नहीं अभी अप्रैल को ही होंगे या फिर अप्रैल मई कभी भी हो सकते हैं। गुल्लू भाई बताओ कुछ अपने बारे में। चला यूं थल्ले दुई गुफा चलते तो चलते हैं हरिद्वार गुफा में और आपको आगे कभी वहां पे बताते हैं पहुंच के। सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो। बूम ओए ओए मत लो रिस्क, रिस्क मत लो। यो भाई बाबा जी वीरे की कहंदी फिर सरकार? सरकार बस कहंदी कहंदी भाई जरा आना होगा तो बुरे बंदा ही आओ क्योंकि भाई थक भी गए। तो भाई जंगल देख लो आप कितना घना है, इस कार तो जाना ना गिर अगर। ओए 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 आधे घंटे की मेहनत लगा के हम यहाँ पे पहुंचे चार बंदे। बाकी गुल्लू ने बना दिया यहाँ पे मानव निर्मित, तो गुल्लू जी ने यहाँ पे बना दिया मानव निर्मित झरना। कमेंट करके बताइए कि ये मानव निर्मित झरना कैसे बना होगा।